तो हाँ, तो गाइस कैसे आप सब लोग। और आज हम लोग कोई कोई गेम नहीं खेल रहे वापस। आपको जैसा पता है मैंने एक ब्रेक लिया था यूट्यूब से, पर मुझे एक चीज पता चली, आप जितना ब्रेक लोगे उतना सब्सक्राइबर कमेगा। ब्रेक में था मेरा 43 सब्सक्राइबर ब्रेक से पहले, और ब्रेक के बाद हो गया 31। तो आप जितने ब्रेक्स लोगे उतने ही सब्सक्राइबर्स कम हो गए आपके, इसलिए मैं आज से और कभी भी ब्रेक नहीं लूंगा। मैं वापस आया हूँ भीड़ भी ना चाहते हुए। आज से मैं अपनी वीडियोस प्रॉपर एडिटिंग और फुली फेस कैम के साथ करूँगा। मेरे पूरे चैनल में 3 या 4 वीडियोस में ही फेस रिवील किया गया, और वो वीडियो से मेरे फर्स्ट कुछ वीडियोस जैसे माइनक्राफ्ट पार्ट 1 2, और मैंने पिछली बार 2019 के अक्टूबर 10 में जब मैंने ऐसे एक वीडियो डाल दिया था माइनक्राफ्ट का, और फिर मुझे एक नया चैनल मिला जिसको मैं बोलता था, जिसका नाम मैंने रखा था एक्सबॉक्स का इम्तियाज 2। वैसे मेरा अभी एक्सबॉक्स खराब हो चुका है, इसलिए मैं उस पर तो और अभी कुछ दिन के लिए वीडियो नहीं बना सकता जब तक ये ठीक नहीं होता है। तो फिर भी मैं फोन में तो बना सकता हूँ एक्सबॉक्स के चैनल में। उसका नाम अभी एक्सबॉक्स का चैनल नहीं रहा है, अभी इराकू पहले था एक्सबॉक्स का इराकू चैनल और अब है इलेट कोडर 380, जो कि अब नहीं आएगा क्योंकि कुछ पता नहीं मैंने क्या कर दिया जिसकी वजह से शैडो बैन हो गया। और शैडो बैन वैसे भी ज्यादा दिन रहने नहीं वाला है। इलेट कोडर नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, तो मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो अभी चैनल मैनल से मूव ऑन करता, और थोड़ी सी कुछ अजीब मैंने वीडियोस डाल दी थी पहले पहले, ले जब मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल शुरू किया था, इम्तियाज गेमिंग 203 यानी 203। जो चैनल मैंने फर्स्ट शुरू किया था उसमें मैं और कभी वीडियो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि एक तो उससे जिसको मैंने फ़ोन से ऑपरेट किया था वो चैनल, वो फ़ोन ख़राब है और मुझे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दोनों याद नहीं है। और मैं पहले उस चैनल के पहले में मैं अजीब वीडियोस बनाता था, जैसे वो वाली मेक जोक ऑफ क्रिएटर वीडियोस। और अब से मैं मेक जोक ऑफ क्रिएटर एनिमेटर से और नहीं बनाने वाला हूँ। पहले मैं मोबाइल से एनिमेट करता था, वो भी बहुत हार्डली ड्राइंग करता था, एनिमेशन बहुत हार्ड है। तो अभी मैं पीसी से करूँगा, गो एनिमेट से, जिससे मैं प्रॉपर वीडियो में चीज़ें डालूंगा। पहले मुझे एडिटिंग आती नहीं है, अब मुझे आती है, और मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ एडिटिंग से ही। और जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं वो सोचते हैं, हम लोग बोलेंगे तो दिस वीडियो इज़ ब्रॉट यू बाय दिस कंपनी और दिस कंपनी, तो ऐसे स्पॉन्सर नहीं होता है। रियल स्पॉन्सर जो है वो ऐसे होते हैं, आपको 5 या 6 दिन में एक मेल आता है, आपकी जब ठीक है 5 या 6 दिन नहीं, पहले दिन ही। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो आपको जीमेल में एक मेल आएगी एक कंपनी से, जो कि पहले गूगल से कांटेक्ट करती है आपके, उसको क्या ना बोलते हैं,
उसको क्या बोलते थे, स्पॉन्सर, स्पॉन्सर के लिए चाहती है। गूगल वेरीफाई करते हैं, हैकर मैकर तो नहीं है, हमारा ईमेल पासवर्ड लेके नहीं चले जाएगा और चैनल बाद में डिलीट कर देगा। इसलिए गूगल पहले वेरीफाई करती है, और भी जब गूगल वेरीफाई करती है और आपका ईमेल दे देती है, और फिर ईमेल लेके वो आपके इधर एक जीमेल मेल करता है। वो बोलता है कैन वी स्पॉन्सर योर वीडियो, और ज़्यादातर तो लोग तो यस में दे देंगे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जीमेल चलाना तो नहीं आता है, और छोटे छोटे बच्चों के चैनल भी तो इतने बड़े नहीं होंगे कि स्पॉन्सर्स ऐसे ही आ जाएंगे। स्पॉन्सर्स के लिए आपको एटलीस्ट 100K सब्सक्राइबर्स के ऊपर चाहिए ही चाहिए। और कुछ लोग कमेंट्स में बोलते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ। नहीं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरी वॉइस पाकिस्तान, मेरी हिंदी पाकिस्तानी लगती है मेरी वॉइस की वजह से। मेरी वॉइस छोटे बच्चों जैसी है, तो रियल में बोलूँगा तो हिंदी लगेगी। अगर मैं धीरे धीरे बोलता हूँ तो हिंदी लगेगी। तो अगर मैं धीरे धीरे अभी बोल रहा हूँ और आपको इधर हिंदी तो लग रही है, और कुछ लोग सोचते हैं मैं उर्दू बोलता हूँ। नहीं, मैं उर्दू भी नहीं बोलता अपने चैनल में, और मैं पाकिस्तानी भी नहीं हूँ। और अभी दिमाग में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो फ्राइडे को, फ्राइडे या सैटरडे को एक फेस रिवील वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं 3 साल बाद अपने चैनल में वापस एक फेस रिवील देने वाला हूँ। 3 साल, पूरे 3 साल मेरे चैनल में कोई फेस रिवील नहीं आया है। और मैंने बोला था जब मेरे 30 सब्सक्राइबर्स के ऊपर हो जाएंगे तब मैं फेस रिवील करना स्टार्ट करूँगा, और उसके बाद हम लोग अपने वीडियोस में बनाएंगे एनिमेशन, फुली एनिमेशन चैनल नहीं होगा, सैटरडे और संडे एनिमेशन आएंगे, मंडे और ट्यूसडे गेमिंग वीडियोस आएंगे, और उसके बाद जो भी दिन है उनमें रूल प्ले आएंगे। उन सब दिन में रूल प्लेस आएंगे। और अभी आपको उर्दू लग रही होगी तो देख लो मैं उर्दू नहीं बोलता हूँ, जोर से बात, मैं उर्दू नहीं बोलता हूँ। तो अभी मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और तो वैसे आज कुछ से मिलूंगा अगले वीडियो में। और बहुत लोग ये गेम खोजने के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं इसका नाम बताने वाला हूँ। इसका नाम है सी एस गो स्लाई सर्फर। तो ये गेम सिर्फ पीसी के लिए अवेलेबल है, और दूसरा ये पेड है। तो मुझे पता है बहुत लोग इसको खेल नहीं पाएंगे, तो सॉरी जो पेड गेम्स नहीं ले पाता और जिनके पास पीसी नहीं है। तो गाइस आज को बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।